हरियाणा के यमुनानगर में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा द्वारा आज लघु सचिवालय पर अलग अलग विभागों के कर्मचारियों के साथ मिलकर धरना प्रदर्शन किया गया। सभी ने मिलकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने सरकार को चेतावनी देते हुए वक्त रहते 21 सूत्रीय मांग पत्र को लागू करने की बात कही, अन्यथा आने वाले वक्त में रणनीति बनाकर और बड़ा प्रदर्शन करने के लिए वे मजबूर होंगे। कर्मचारियों में इसे लेकर काफी रोष दिखा। उन्होंने कहा कि आज हर चीज को प्राइवेट कर सरकार कार्य करने वाले लोगों को नौकरी से निकालने पर लगी है, जिससे कर्मचारियों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसके चलते आज सभी ने लघु सचिवालय पर एकत्रित होकर सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और प्रदर्शन किया। जो प्रदर्शन है, इससे पहले भी हमने मांग पत्र दी है सरकार को, डीसी के माध्यम से हमने जगह जगह 54 बार हम प्रदर्शन कर चुके हैं। हमारा जो मांग है 21 सूत्रीय मांग पत्र, 7 मांगे हमारी माननी है। जो डीए बंद करे सरकार ने, एक जो पुरानी पेंशन योजना, जो नए लड़के लगे हैं, जो नए बच्चे लगे उनके लिए पेंशन लागू की जाए, सरकार ने मांग माननी है। हमारे इन्हीं को लेकर ये प्रदर्शन करा, जो किसानों के साथ आज महंगाई बढ़ रही है, गैस का रेट, पेट्रोल का रेट जो डेली बढ़ रहा है, इसका भी हमारा विरोध है। आम जनता के ऊपर भार पड़ रहा है, आम कर्मचारी के ऊपर भार पड़ रहा है। जो नए आज जो बेरोजगारी बढ़ रही है, हम कहते हैं हमारे को 50 में रिटायरमेंट किया जाए, तो हमारे को हम कहते हैं वे कम से कम जो बच्चे बेरोजगार हैं उनको रोजगार दिया जाए। इन्हीं मुद्दों को लेकर आज हमारा ऑल इंडिया बेस्ड ये प्रदर्शन है।